ने नई पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप के मैदान में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत तमाम आला अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की परेड की सलामी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि दिल्ली पुलिस की शुरुआत भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने की थी। मुझे यकीन है कि यह भी पूरे संगठन को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप दिल्ली में आते हैं तो पुलिस मेमोरियल जरूर जाएं और 35,000 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है। पुलिस शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम बिना किसी जाति को देखकर करती है। पुलिस सभी लोगों की जरूरत पर मदद करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस शांति और व्यवस्था की दोस्त है, इसलिए सदैव पुलिस का सम्मान किया जाना चाहिए। सरदार पटेल जिन्होंने इस देश को एक और अखंडित बनाने के लिए अमूल्य योगदान दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।